हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग के वन यूआई 6.1 अपडेट ट्रैकर के बारे में। सैमसंग के कौन कौन से ऐसे स्मार्टफोन हैं, एस सीरीज के, एम सीरीज के और ए सीरीज के ऐसे स्मार्टफोन जिनके अंदर आपको वन यूआई 6.1 का अपडेट है वो इंडिया में देखने को मिल चुका है, और आने वाले टाइम के अंदर सैमसंग के कौन कौन से ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनके अंदर आपको अपडेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच करते रहिए। वीडियो आपको ये पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, और वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स का, तो यार कंप्लीट करा देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जैसे आपकी डिवाइस के लिए अपडेट आएगा वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और आप लोग सैमसंग का टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है उसको यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले बात करें ये जो अपडेट है वो इंडिया में कौन कौन से स्मार्टफोन है उनके लिए देखने को मिल चुका है। तो सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, सैमसंग गैलेक्सी S24 और सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस। उसके बाद में ये जो अपडेट है वो आपको सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5, सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5, उसके बाद में सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, गैलेक्सी S23 और गैलेक्सी S23 प्लस, और सैमसंग का भी A सीरीज का A55 जिसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड वन UI 6.1 का अपडेट है वो देखने को मिल चुका है। और रिसेंटली सैमसंग गैलेक्सी S23 फैन एडिशन स्मार्टफोन है उसके लिए ये जो अपडेट है वो इंडिया में आ चुका है। तो सैमसंग की तरफ से कुछ ही ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनके लिए अभी ये अपडेट है वो देखने को मिला है। और अब बात कर लेते हैं सैमसंग के ऐसे कौन कौन से स्मार्टफोन हैं जिनके अंदर आपको अपडेट है वो जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला गाइज आपको स्मार्टफोन मिलता है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा, सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी S22, उसके बाद में गैलेक्सी Z Fold 3, गैलेक्सी Z Flip 3, उसके बाद में गैलेक्सी Tab S8, गैलेक्सी Tab S8 प्लस और गैलेक्सी Tab S8 अल्ट्रा। तो ये सभी डिवाइस है ना वो कन्फर्म हो चुके हैं, इनके अंदर आपको जल्दी ही वन UI 6.1 का अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। और ये सभी स्मार्टफोन मैंने आपको बताए हैं इन सभी के लिए आपको मई मंथ के अंदर अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। अब वैसे तो ये अपडेट है वो अप्रैल मंथ के अंदर ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अपडेट किसी वजह से डिले होने के बाद में अब ये जो अपडेट्स हैं वो आपको मई मंथ के अंदर देखने को मिलेंगे। और मई मंथ के अंदर जिन डिवाइस के लिए अपडेट मिलना था एक्चुअली में उन सभी के अंदर आपको अपडेट है वो अब जून मंथ के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सैमसंग के काफी सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, गैलेक्सी A53, गैलेक्सी A54 और गैलेक्सी A73। तो ऐसे कुछ सैमसंग के डिवाइस हैं, एम सीरीज के भी काफी स्मार्टफोन हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो वीडियो में बना दूंगा कि जून मंथ के अंदर कौन कौन से डिवाइस के लिए अपडेट है वो आ सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो। और गाइस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और ये है हमारा सैमसंग का टेलीग्राम चैनल, यहां पर ये सभी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ में पहले ही शेयर कर दी जाती है। और टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं आपके साथ में न्यूज शेयर करता रहता हूं कि कौन से स्मार्टफोन के लिए अपडेट है वो रिलीज हो चुका है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।